हेलो फोर्थ क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों आज आपका मैथ्स का टर्न है, तो निकालेंगे अपनी मैथ्स की बुक्स। तो बच्चों यूनिट 12 आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शनल नंबर्स, पेज नंबर 90 पे। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शनल नंबर फॉर द शेडेड पोर्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों देखिए, इसमें हमको ये फिगर्स दे रखी है। फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं, पहले डिवीजन में, ये हम बच्चों डिवाइड को ही हम फ्रैक्शन कहते हैं। कैसे, डिवाइड में तो हम डिवाइड का साइन लगा के लिखते हैं, इसमें हम इनको अपॉन लिखते हैं। सर 1/2, यानी कि 2 को डिवाइड, 2 को, 1 को डिवाइड करना है हमें 2 से। इसका मतलब ये होता है अपॉन फ्रैक्शनल फॉर्म का, ठीक है। ये आपको आगे मैं अभी बताऊंगी। ये हमारी दो, इन्होंने दो, हमारी दो शेप, दो फिगर्स थी, मतलब दो पार्ट थे ना इस फिगर के। तो एक को इन्होंने शेड कर दिया, तो हमें उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है। तो इन्होंने कितने पार्ट को शेड किया, एक पार्ट को, तो ये कुड बी रिटन 1/2, क्योंकि 1 इन्होंने शेड किया। अगर 2 करते तो 2/2, 3 यहां होती। जो टोटल इनका नंबर है वो नीचे आएगा, डिनोमिनेटर। जो हमारा नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं न्यूमरेटर। तो बच्चों नेक्स्ट आपका, ये हमारे देखिए इसमें 3 क्यूब्स है, तो इनमें से एक को इन्होंने शेड कर रखा है, तो 1/3, क्योंकि 3 है तो 3 नीचे आएगा। बाकी आपको सिंपल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट दैट वेदर इज लाइक और अनलाइक। बच्चों लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अब इनके डिनोमिनेटर सबके सेम है, डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाले 6, 6, 6, तीनों के, चारों के 6 है, तो ये लाइक फ्रैक्शन है। अब नीचे वाले में इनके डिनोमिनेटर देखिए चेंज हो गए, 16 है 16, देन 18, देन 19, तो ये हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन, आप इससे पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शन। बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जैसे कि यहाँ न्यूमरेटर 5 है और डिनोमिनेटर 9 है, तो बड़ा कौन सा है, 9 ही तो बड़ा है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर से, तभी वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अब जैसे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें जो है डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर तो बड़ा है ना 9, लेकिन डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हम बता सकते हैं कैसे, देखना है हमको इसका न्यूमरेटर। देखो बच्चों फर्स्ट वाला तो इम्प्रॉपर है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। सेकंड वाला हमारा प्रॉपर है, क्योंकि इसमें जो है डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। बाकी आपको खुद पहचानने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आएंगे बच्चों, ये जो इस तरह की जो फ्रैक्शन होती है ना, इस तरह से लिखी होती है, ये 7, 6 और 1, इसको कहते हैं मिक्सड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, मिक्सड फ्रैक्शन कहते हैं इनको। तो राइट द इंटीग्रल पार्ट एंड द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इनका जो है हमें इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट बताना है। जो ये बाहर इस तरह से अलग होता है इसको कहते हैं हम इंटीग्रल पार्ट, और जो हमारा ये नीचे होता है ना 1/7, जो ये होता है इंटीग्रल पार्ट और ये होता है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। सिंपली हमने इसको लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, चेंज द फॉलोइंग इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है। जो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होती है, जिनके डिनोमिनेटर छोटे होते हैं न्यूमरेटर बड़े होते हैं, उनको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर उन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में फॉर्म छोड़ा करा था। आप जब क्वेश्चंस करेंगे आगे जाके बड़ी क्लासेस में भी, तो आप कभी भी जो आपके आंसर आएंगे उनको आप इम्प्रॉपर में नहीं छोड़ सकते, वो आपका गलत हो जाएगा, आपको उन्हें मिक्स में ही चेंज करना होगा। कैसे चेंज करते हैं, जब मैंने आपको बताया कि डिवीजन में होते हैं, तो हमने 11 से डिवाइड करा 45 को, तो 11 4 44, यहाँ पर डिनोमिनेटर, सॉरी रिमाइंडर 1 बचा। अब इसको तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये 4 जो है वो बन जाएगा इंटीग्रल पार्ट। ये जो 4 हमारा आंसर का क्वेश्चन था ना, ये इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा, और 11 हमारा डिनोमिनेटर था पहले भी, तो 11 डिनोमिनेटर ही रहेगा, जो हमारा रिमाइंडर रहेगा वो हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा। सिंपल सेकेंड में देखिए समझ आएगा। 26/9 है, हमने इसको 9 से 26 को डिवाइड किया, तो 9 2 18, डिनोमिनेटर हमारा बच, सॉरी रिमाइंडर हमारा 8 बचा। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये जो ऊपर आता है आंसर, इसको लिखेंगे इंटीग्रल पार्ट में, यानी कि 2 आगे आएगा, 8 जो रिमाइंडर आता है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर ही रह जाएगा। बस देखो इसको अगर हम सॉल्व करें, देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 11 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 11 4 44 + 1 45/11। देखो ये दोनों आ गए सेम टू सेम, क्योंकि इसको बस हमने चेंज कराया, इसकी वैल्यू चु बदली नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है, वो तो बहुत इजी है, अभी सिखाया मैंने आपको। 8 6, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 8 48, 48 में हम प्लस करेंगे 7 को, तो हमारा 55/8, डिनोमिनेटर वही रहेगा जो होता है, ठीक है। 9 3 27, 27 में जब 7 को प्लस किया तो 34/9, डिनोमिनेटर सेम रहेगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट फ्रैक्शन? बच्चों यूनिट फ्रैक्शन वो होती है जिनका न्यूमरेटर यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो वन होता है. तो देखिए किसमें वन है, इन दोनों में से वन अपॉन एट में ऊपर न्यूमरेटर वन है तो वो यूनिट फ्रैक्शन है, दूसरी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आएंगे. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज मिक्स फ्रैक्शन. इनको हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना था. तो ये 12 अपॉन 13 है, 12 को डिवाइड किया 13 से, 3 4 जा 12. तो बच्चों ये चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज. इसको हम इसको डिवाइड कर दिया, इसमें डिनोमिनेटर कुछ नहीं आया तो ये 4 हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको चेंज करना आता है. चेंज किया आपने, 3 को डिवाइड किया 4 से तो ये हमारा 1 रिमाइंडर रह गया. ये हमारा इंटीग्रल पार्ट बन गया, ये वाला 1 हमारा रिमाइंडर जो है न्यूमरेटर बन गया और 3 हमारा डिनोमिनेटर बन गया. क्वेश्चन नंबर 10, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ द फॉलोइंग डिविजन एज फ्रैक्शन. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो फ्रैक्शन होती है वो डिवीजन का ही फॉर्म होती है. इन्होंने कहा है इस डिवीजन पार्ट को फ्रैक्शन पार्ट लिखो, तो लिख देंगे 3 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 3 को डिवाइड करना है किससे, 5 से. 3 को डिवाइड करना है किससे, 5 से. तो हमने लिख दिया 3 को डिवाइड करना है 5 से. जो नीचे लिखा जाता है ना उससे ही डिवाइड किया जाता है, तो इसलिए 3 डिवाइड. जो आगे होगा उसको आप ऊपर लिख दीजिएगा, जो पीछे होगा उसको नीचे लिख दीजिएगा, सिंपली इस तरह से ही. तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है बच्चों. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे. आप इसको अच्छी तरह से कॉपी में कीजिएगा. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय बच्चों.